नमस्कार। राजनीति में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गुजरात में विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है और बीजेपी के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद उनकी बेटी का दर्द छलक पड़ा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी राधिका रूपाणी ने सोशल मीडिया के जरिए इस राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी राय रखी है। उन्होंने अपने पिता को लेकर सवाल किया और पूछा कि क्या सरल होना राजनीति में गुनाह है। उन्होंने लिखा, कल बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके काम और भाजपा कार्यकाल की बातें करते हुए छोटी छोटी बातें कही। मैं उनकी आभारी हूं। उनके मुताबिक पापा का कार्यकाल एक कार्यकर्ता से शुरू हुआ, जिसके बाद चेयरमैन, मेयर, राज्यसभा के सदस्य, टूरिज्म चेयरमैन, भाजपा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है। लेकिन मेरी नजर में पापा का कार्यकाल 1979 मोरबी की बाढ़ से शुरू होकर कच्छ का भूकंप, गोधरा कांड, बनासकांठा में बाढ़, ताउते और कोरोना में हर पल काम करते रहना है। रूपाणी की बेटी यही नहीं रुकी, उनके दिल में पिता के इस्तीफे को लेकर जितना दर्द और सवाल भरे थे उन्होंने सारा उड़ेल दिया। राधिका आगे लिखती है, पापा ने कभी अपने पर्सनल काम को नहीं देखा, जो जिम्मेदारी मिली उसे पहले किया। कच्छ के भूकंप में भी लोगों की मदद के लिए सबसे पहले गए थे। बचपन में कभी हमें मम्मी पापा घुमाने नहीं ले जाते थे, वो किसी कार्यकर्ता के यहाँ ले जाते थे, ये उनकी परंपरा रही है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले के वक्त मेरे पिता वहां पहुंचने वाले पहले शख्स थे, वो नरेंद्र मोदी से पहले ही मंदिर परिसर पहुंचे थे। उन्होंने आगे लिखा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब ताउते आया तो वो रात को 2 बजे तक सीएम डेस्क बोर्ड के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। सालों तक हमारे घर का एक ही प्रोटोकॉल था, किसी का भी रात को 3 बजे फोन आ जाए तो नम्रता से बात करनी है। कोई भी इंसान किसी भी टाइम घर पर आए और पिताजी ना हो तो चाय नाश्ते के बिना ना जाने दिया जाए। सरल स्वभाव रखना, आज हम हमारे फील्ड में सेटल हो पाए हैं और विनम्र हैं, तो इसका श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। बहरहाल हर कोई जानता है कि विजय रूपाणी के इस्तीफे और भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने के पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है। पाटीदार समाज को अपने खेमे में करने के लिए बीजेपी ने जो चाल चली है, शायद उसी चाल के बीच में विजय रूपाणी आ गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा।